सरकार ने गर्भवती धात्री किशोरी व बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण को सुनिश्चित करने के लिए बाल विकास परियोजना के तहत आंगनवाड़ी चलाई है, जिसमें सभी को पूरक पोषाहार मिलना है। वहीं कौशाम्बी जिले के कड़ा ब्लॉक के अफजलपुर सातो गांव के हकीमपुरपुरवा में पिछले 5 वर्षों से ममता सहित 15 गर्भधात्री और 40 बच्चों को पोषाहार न मिलने से कुपोषण बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ क्या समस्या है? यहाँ तो पोषाहार नहीं मिलता, बच्चे कमज़ोर होते जा रहे हैं, इससे बहुत हानिकारक है। मेरे बच्चे, हम भी कमज़ोर, हमारे बच्चे भी कमज़ोर। तो आंगनबाड़ी कब से पोषाहार नहीं दे रही है? ये तो बहुत दिन से कम साल दो साल पहले से भी नहीं आती है, कभी नहीं आई। तो कभी आपने किसी से शिकायत किया कि आंगनबाड़ी क्यों नहीं आ रही है? अब किससे शिकायत करने जाएं? आप आए हैं बाबा, आपसे शिकायत करेंगे। हम चाह रहे हैं कि पोषाहार सभी लोग को मिले, यहाँ गर्भवती बहुत हैं और धात्री भी हैं। यहाँ कभी आंगनबाड़ी पोषाहार वितरण करने आती है? नहीं आती। कब से नहीं आ रही है? कभी आती ही नहीं। तो पोषाहार ना मिलने से आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? हमारे बच्चों को दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है कि नहीं, कपोषण से नहीं हमारे बच्चे भी वो रहते हैं। तो आंगनबाड़ी यहाँ कभी आती है? कभी नहीं आई है। आई है तो मौर्य के घर तक आई, अब नहीं आई है। तो कभी पंजीरी बांटी है? कुछ नहीं बांटी है। एक दिन दही नहीं, बहुत दिन ताई ताई चुल्लू से दही थी, चुल्लू से दही के फिर वही तरह रोपा लेके चली गई। कौन बोली? तो पोसा जैसे पंजीरी नहीं मिल रही है तो क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है? हम लड़का कमजोर है, महतारी कमजोर ही, दूध नहीं होता, खा कर नहीं होता। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बच्चों को में कुपोषण बढ़ता जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा में बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी द्वारा पोषाहार वितरण किया जाए, जिससे ममता सहित 15 धात्री 40 बच्चों को पोषाहार मिले, ताकि इनमें कुपोषण ना हो सके। ये लाभ CDPO द्वारा दिलाया जा सकता है। CDPO के मोबाइल नंबर 9935425090 पर कॉल कर दबाव बनाने में आप सभी लोग हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, आप जलपुर सातों के हकीमपुर गांव कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।